हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीजों सो लेक्चर नंबर टू कंटिन्यू करते हैं वैक्टर एलजब्रा का तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि वैक्टर के नोटेशंस क्या होते हैं वैक्टर को रिप्रजेंट कैसे करते हैं लोकलाइज वैक्टर क्या होता है फ्री वैक्टर क्या होता है लोकलाइज वैक्टर मैंने बताया था कि इसमें आप इसको इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो एक पॉइंट से ही फ़िक्स हुआ करते हैं ओके और ज़्यादा कंसर्न इसका फिज़िक्स में है तो इससे ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं है अब हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर एक बार जल्दी से कल मैंने बता दिया था यूनिट वेक्टर में फिर से बता देता हूँ ये कंप्लीट वेक्टर है जैसे मान लीजिए ये सौ यूनिट का है तो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में इसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में वो वेक्टर जो केवल डायरेक्शन बताए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो यदि मान लीजिए ये सौ कदम का है या दस कदम का तो एक कदम का वेक्टर एक यूनिट का वेक्टर वन यूनिट सो दिस मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट ओके सो दिस वैक्टर इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है वन यूनिट होगा और इसको हम शो करते हैं इसको हम शो करते हैं दिस वैक्टर दिस स्पेशली दिस पार्ट ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड पी क्यू कैप पी क्यू कैप कॉल्ड यूनिट वैक्टर कॉल्ड यूनिट वैक्टर सो ऑब्वियसली यहां से यहां तक कंप्लीट वैक्टर पी क्यू है जिसकी लेंथ कितनी होगी पी क्यू होगी बिकॉज वैक्टर कंप्लीट वैक्टर की लेंथ हम कैसे शो करते हैं मॉड ऑफ वैक्टर पी क्यू से या ओनली पी क्यू से ओनली पी क्यू से सो so, मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर आप एक वेक्टर को यूनिट एक कदम को अगर आप इतने बार चल दोगे पूरे बार तो आपके पास कंप्लीट वैक्टर जनरेट हो जाएगा सो पी क्यू वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई जितना वैक्टर का मैग्नीट्यूड है पूरे कदम इक्वल टू दैट इज इक्वल्स टू कंप्लीट वैक्टर वैक्टर पी क्यू एग्जैक्टली सो पी क्यू कैप द यूनिट वैक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वैक्टर गिवेन वैक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड अपॉन उसका मैग्नी ड्यू टू इन शॉर्ट अगर आप इस वैक्टर को वैक्टर ए मान लें कंप्लीट वैक्टर को सो दिस द स्मॉल पार्ट पार्ट और यू कैन से इज ए कैप दिस यूनिट पार्ट इज कॉल्ड ए कैप सो द यूनिट वैक्टर वैक्टर ए इज इक्वल्स टू गिवेक्टर अपॉन इट्स मैग्नी ट्यूड सो दिस इज यूनिट वैक्टर दिस इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर इज इक्वल्स टू गिवेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्लियर देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेरी इजी लाइक यू हैव अ वैक्टर ए this is vector a and you wish to multiply it with some scalar k some scalar k so the new vector generated is k times of vector a k times of vector a So what is k times of vector a k times of vector a means आपको जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतने गुना हो जाएगा बिकॉज़ ये स्केलर है तो स्केलर का असर सीधे इसके मैग्नीट्यूड पे होगा किस पे होगा मैग्नीट्यूड पे फॉर एग्जांपल ये a दिया है और मुझे 2a बनाना है मुझे क्या बनाना है

सो so, क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है उतने गुना हो जाएगा उतने टाइम्स हो जाएगा के टाइम्स हाउ मच टाइम्स के टाइम्स अच्छा एक चीज और याद रखिएगा अगर आपके पास वैक्टर ए है ओके okay, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका विद के विद के तो दो चीज़ें हैं आइदर के इज ग्रेटर देन जीरो और के इज़ लेस देन जीरो अगर आपने के ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब तो पॉजिटिव अगर आपने पॉजिटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जो वेक्टर बनेगा बेटा वो पैरेलल जनरेट होगा क्या जनरेट होगा पैरल मान लीजिए ये के ए है ये वेक्टर जनरेट हुआ दिस इज के वेक्टर ए तो देखिए ओरिजिनल वेक्टर के ये पैरेलल है क्या है बेटा ये पैरेलल सो इफ के इज ग्रेटर देन जीरो ए इज पैरेलल टू के ए इज पैरेलल टू के ए क्लियर और अगर के लेस देन जीरो है के लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है लाइक माइनस टू माइनस थ्री सो बेटा जो वेक्टर जनरेट होगा आपका के ए वो बैक साइड होगा के ए वैक्टर पीछे होगा क्लियर की नॉट क्लियर हाँ सो ये जो होगा इस समय एंटी पैरेलल होगा कैसा होगा बेटा जी हाँ एंटी पैरेलल, समझ में आ गया एंटी पैरेलल, तो यदि आपको दिया है कभी कि वेक्टर ए दिया है इफ़ यू हैव given vector ए आपको दे रखा है और आपको क्या बनाना है माइनस टू ए बनाना है क्या बनाना है माइनस टू ए मतलब वैक्टर ए में माइनस टू का मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप इसको लिखो टू टाइम्स ऑफ माइनस ए टू टाइम्स ऑफ माइनस ए आप ही माइनस साइन को अंदर ला सकते हो तो कल मैंने बताया था आपको कि अपोजिट वैक्टर कह लो या निगेटिव वैक्टर कह लो सो दिस इज निगेटिव वैक्टर माइनस ए एग्जैक्टली एग्री बिकॉज ये अगर ए से बी जा रहा है तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है बी से लेके ए तो फर्स्ट थिंग दिस इज निगेटिव वैक्टर वैक्टर माइनस ए ओके एंड हाउ मच यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई इट विथ टू है ना तो इसको दोगुना करना है तो इसकी लेंथ को क्या कर दो जस्ट आप डबल कर दो क्या कर दो लेंथ को डबल जस्ट डबल कर दो ये देखिए सो so ये जो कंप्लीट वेक्टर आप जनरेट हो रहा है ये जो कंप्लीट वेक्टर है पहले ये अकेला माइनस ए था ओके okay, ये एक काम करता हूँ मैं इसको अलग से बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा तो ये पहले वेक्टर माइनस ही था बट अब ये कंप्लीट वेक्टर जो बन चुका है नाउ दिस इज नॉट माइनस ए दिस इज माइनस टू ए बोलिए क्लियर हो गया सो आई फील यू हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर वैक्टर विद अ स्केलर क्लियर ना चलिए आगे बात करते हैं बेटा कि अब हमें आगे बात करनी है कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हम एडिशन में दो बहुत महत्वपूर्ण लॉ हम पढ़ने वाले हैं एक लॉ ऑफ ट्रायंगल है एक लॉ ऑफ पैलोग्राम है तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं बट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स तो बेटा स्टार्टिंग कितने से करेंगे दो से करेंगे दो के बाद आप चाहे तो जितने भी जोड़ सकते हो ओके okay, तो लॉ ऑफ वैक्टर सम लॉ ऑफ वैक्टर सम हमें बेटा टेल नाओ वीनो दो प्लस दो बराबर चार होता था बेटा तो ये जो टू प्लस टू इक्वल टू फोर बेटा अब ये नहीं होगा अब ये नहीं हो सकता समझ में आ गया दो प्लस दो बराबर चार होता था बेटा ये स्केलर एलजेबरा था क्या था बेटा ये हाँ क्योंकि ये नंबर जो होते थे सारे स्केलर होते थे इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी सो दिस वॉज कॉल्ड स्केलर एल जेबरा दिस वॉज कॉल्ड स्केलर एल जेब्रा ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड रियल नंबर एल जेबरा दिख रहा है आपको क्लियर सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर एल यस और नो सो ये पुराने दिनों की बात हो गई अब आप देखिए लॉफ वैक्टर सम क्या होगा अब आप कहोगे सर दो और दो चार क्यों नहीं होता है आप प्रूफ तो करो मैं बता देता हूँ आपको देखिए बेटा ये एक ब्लॉक है एंड यू हैव टू फोर्सेस हेयर ये ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है अब आपके पास दो वैक्टर क्वान्टिटी है फोर्स एफ इज़ टू न्यूटन एंड फोर्स एफ इज वर्किंग हियर इट इज ऑल्सो ऑफ टू न्यूटन यस ऑन नो सो ये एफ वन है और ये कितना है एफ टू है मैं आपसे बोलूंगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स बता दो इसी को बेटा नेट फोर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को नेट फोर्स इसी को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं इसी को नेट फोर्स बोलते हैं तो आप क्या करोगे सर F1 वन प्लस एफ को ऐड करोगे बट एक बात मत भूलना आप वेक्टर ऐड कर रहे हो तो आपको वेक्टर लगाना जरूरी है दिस इज हियर F1 वन एंड दिस इज हियर F2 तो बताइए आंसर क्या आएगा दो और दो चार आएगा कि ज़ीरो आएगा बिल्कुल सही तो अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा भाई साहब कि दो वैक्टर का सम जरूरी नहीं है कि जुड़ के ही चार ही आ जाए ज़ीरो भी हो सकता है समझ गए कि नहीं आया सो so वेक्टर कुछ भी हो सकता है अब ये जीरो से लेके मतलब डिपेंड करेगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है किस डायरेक्शन में है एल्जब्रा में केवल मैग्नीट्यूड खेलता था मगर इसमें एडिशन में डायरेक्शन भी खेलेगी तो आइए हम देखते हैं कि किस लॉ के तहत अंडर विच लॉ है ना अकॉर्डिंग टू विच लॉ दिस टू वैक्टर मे बी एडेड किस लॉ के तहत इनको जोड़ना है तो बेटा तो वैक्टर को आप दो लॉस के तहत जोड़ सकते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओके एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स तो बेटा वैक्टर को जोड़ने के लिए दो लॉ हैं फर्स्ट लॉ है बेटा जिसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ क्या कहते हैं बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन जी हाँ वेक्टर को जोड़ने का ट्रायंगल लॉ फर्स्ट लॉ है और दूसरा लॉ है बेटा पैरालो लॉ कौन सा लॉ बेटा पैरलेलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जी हाँ वेक्टर एडिशन का पैलोग्राम लॉ सो वी हैव टू लॉस टू स्टडी सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड ट्राएंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन इट इज क्वाइट सिम्पल लॉ बेटा क्या है ट्राइंगल लॉ सो ट्राइंगल लॉ हम पढ़ने वाले हैं ट्राएंगल लॉ क्या है ट्राइंगल लॉ बेटा इसमें यह कहता है इफ़ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर टू वैक्टर्स आपके पास वैक्टर ए और वैक्टर बी टू वैक्टर्स हैं इफ़ यू हैव वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर टू वैक्टर्स दे आर रिप्रजेंटिंग कंजीक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल और हाँ शर्त ये है कि दोनों एक ट्रायंगल की लगातार साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हो समझ में आया और सच ये है कि वो हर हाल में ट्रायंगल की दो लगातार साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगी चाहे वो कैसी भी हो समझ में आ गया अब जैसे ये दो वैक्टर हैं ड दे आर रिप्रजेंटिंग द टू कंजीक्यूटिव कन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कन्जिक्यूटिव मतलब लगातार सक्सेसिव सक्सेसिव भी बोल सकते हो लगातार साइड्स ऑफ ट्राएंगल या ऑफकोर्स यू कैन सी हीयर फर्स्ट वैक्टर हेयर ओ ए ओके दिस इज नोटेड बाई वेक्टर ए बी से क्यों दे दिया मैंने इसको भाई ओके सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओनली वैक्टर ए दिस इज़ रिप्रजेंटेड बाई वैक्टर बी नाव बना लीजिए बेटा अब मैंने बताया था आपको कि फ्री वैक्टर को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हो तो आप इसको थोड़ा सा आगे ले आओ पैरल कर दो या इसको ही पीछे ले आओ कुछ भी कर सकते हो तो बताओ वो सब करने के बाद क्या ये ट्रायंगल की दो लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं ना? फर्स्ट वेक्टर का लेंथ वेक्टर ए है फ, ये है मॉड ए सेकेंड वैक्टर का लेंथ मॉड बी है ये और नो फर्स्ट वैक्टर का लेंथ कितना है मॉड ए दैट इज सिंपली ए सेकेंड वैक्टर का लेंथ कितना है मॉड बी दैट इज बी क्लियर तो इन दोनों का जो सम होगा बेटा इन दोनों का जो सम होगा द रिजल्टेंट द सम ऑफ दीज टू वैक्टर ओके द सम ऑफ दिस टू वैक्टर इज गिवेन बाई द थर्ड साइड थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर तो इसका ऑर्डर यू जा रहा है ये भी बाहर जा रहा है तो बेटा यूं भी कहाँ जाएगा बाहर ही जाएगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर क्लोज मत करना नीचे की तरफ मत करना अपोजिट ऑर्डर सो इफ दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज सी देन द रिजल्टेंट इज गिवेन बाई वैक्टर ए सी रिजल्टेंट इज गिवेन बाई वैक्टर ए सी रिजल्टेंट वैक्टर इज वैक्टर ए सी सो वॉट इज रिजल्टेंट वैक्टर वैक्टर ए सी इज़ द रिजल्टेंट वैक्टर ओके दिस इज द सम ऑफ द टू वैक्टर्स ओके सो द सम वैक्टर ऑफ द टू वैक्टर्स इज कॉल्ड वैक्टर ए सी मोर ओवर वी कैन गिव ए सी वैक्टर इज द सम ऑफ वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी सी हुआ कि नहीं हुआ ए जो ए सी है बेटा वो ए बी और बी सी का सम है ए बी और बी सी का सम है एसी वैक्टर इज द सम ऑफ ए बी एंड बी सी क्लियर है अब बेटा देखिए दो चीजें हैं एसी की जो लेंथ बनेगी दैट इज मॉड ऑफ ए सी मॉड ऑफ ए सी ओके अभी ए बी को हमने क्या लिया था वैक्टर ए और इसको क्या लिया था वैक्टर बी क्लियर इसको क्या लिया था वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी बी ओके और ए सी वैक्टर को हम क्या लिखते हैं बेटा रिजल्ट क्या लिखते है? हैं रिजल्ट मीन आर वैक्टर क्या लिखते हैं बेटा

मैग्नीट्यूड देगी क्या देगी एसी की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड समझ गए तो मतलब जो लेंथ निकलेगी वही इन दोनों वेक्टर के रिजल्ट का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा जो लेंथ निकलेगी वही इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा क्लियर तो यस uh, yes, ये कहला गया लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ओके okay? सो so, जो थर्ड साइड होती है बेटा वो जो तीसरी साइड आप ज्वाइन करेंगे वो रिजल्टेंट होगी दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर और उस वेक्टर का लेंथ जो बनेगा वही दोनों वेक्टर के सम का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा मैग्नीट्यूड ओके एंड डायरेक्शन कैसे मिलेगी बेटा इस वैक्टर की फाइनली ये देखो बेटा दिस एंगल इज़ अल्फा दिस एंगल इज़ अल्फ़ा तो ये ए वैक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा अल्फा दिस इज द डायरेक्शन दिस इज़ द डायरेक्शन क्लियर हो गया है ना तो अभी न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ओके okay? क्लियर है तो ये कहला गया आपका ट्राइंगल लॉ अब बात करते हैं नेक्स्ट पैलेलोग्राम लॉ की ओके चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ पैलेलोग्राम और पैलेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन सो सिंपली इसको मैं ऐसे बना देता हूँ दिस इज पैलेलोग्राम सो पैलेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन सो पेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन कहता है पिछले बार क्या था टू कंजेक ऑफ ट्रैंगल टू दो लगातार बट यहाँ लगातार नहीं है यहाँ पेडजस्टेंट है सो दिसक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेंट साइड टू एडजस्टेंट साइड ऑफ अ पेलोग्राम टू एडजस्टेंट साइड ऑफ अ पेलोग्राम ये देखो भैया दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वक्टर थीटा दोनों वैक्टर के बीच का कितना एंगल है थीटा थीटाला इसका यूज़ नहीं है अभी हमको तो ये बेटा दो वेक्टर हैं इनकी एडजेसेंट साइड है क्या ये पैलेलोग्राम बना रहे हैं बिल्कुल बना रहे हैं देखिए अगर आप वेक्टर ए को वेक्टर ए के पैरेलल कुछ ऐसा बना लें और वेक्टर बी के पैरेलल कुछ ऐसा बना लें तो बेटा आपको पता है अगर ये वैक्टर ए है तो ये भी क्या है बेटा वैक्टर ए ही है मैंने बताया था वैक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो आप अगर ये वैक्टर बी है बेटा तो आप यहाँ भी इसको शिफ्ट कर सकते हो ये भी क्या है बेटा वैक्टर बी है कि नहीं है तो बेटा अब देखिए अब ये कहता ये लॉ कहता है कि इफ यू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इफ यू कैन रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स वैक्टर्सेंट साइड ऑफ अ अलो ग्राम देन द लीडिंग डायगोनल मतलब जो डायगोनल आगे की ओर बढ़ेगा ये वाला बेटा देन द लीडिंग डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन वैक्टर उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला जो बेटा वैक्टर होगा ये देखो बेटा ये जो वेक्टर होगा द लीडिंग डायगोनल द लीडिंग डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द टू वेक्टर रिजल्ट ऑफ द टू वेक्टर ये दोनों इन दोनों का रिजल्ट होगा क्या होगा इन दोनों का रिजल्ट यानी कि सम होगा इन दोनों का क्या होगा सम वेक्टर सो माय डियर दिस विल रिप्रेजेंट द सम वेक्टर दिस विल रिप्रेजेंट द सम वेक्टर सम को बेटा रिजल्ट कहा जाता है फिजिक्स में सो दिस इज आर वैक्टर ओके सो इन दोनों का सम है आर ए और बी का सम क्या है आर सो आई कैन राइट आर वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओके तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मतलब अगर आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मतलब अगर आप दोनों के सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओके okay? तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड दे देगा मतलब सिंपल भाषा में अगर ऐसा है कि अगर आपके पास एक फोर्स है जो कि फाइव न्यूटन का है और एक फोर्स आपके पास थ्री न्यूटन का है ये देखिए थ्री न्यूटन का है क्लियर इसको मैं राइट right एंगल पे ना बनाऊँ अभी नहीं तो अगर एक फोर्स आपका थ्री न्यूटन का है कुछ इस तरीके से देखिए मैंने छोटे एरो बनाए हैं बिकॉज लॉन्गर द एरो लॉन्गर विल बी द मैग्नीट्यूट दिस इज़ ओ ए एंड दिस इज ओ बी एंड दिस इज़ ऑफ थ्री न्यूटन येस विद अ डायरेक्शन तो क्या करेंगे बेटा इसका रिजल्टेंट चाहिए आपको कि बताओ टोटल फोर्स कितना लगेगा समझ गया ना एक ने आपको रस्सी पकड़ के पाँच से खींचा एक ने आपको रस्सी पकड़ के तीन से खींचा टोटल कितने से खींचा तो छोटे बच्चे जो पूछोगे वो पाँच और तीन आठ कर देगा बट नो वे ऐसा नहीं है दोनों एक डायरेक्शन में ही ले गए कि जुड़ जाएंगे समझ गए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है सो यू हैव टू मेक पेलेलोग्राम सो फर्स्ट मेक द पेलेलोग्राम ये इसको यहाँ शिफ्ट करके पैलेलोग्राम बना दिया ना इट इज फाइन इट इस पेलेग्राम क्लियर तो आपका जो बेटा रिजल्टेंट जाएगा वो यहाँ कहीं से जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेलालोग्राम लॉ और इसकी जो वैल्यू होगी बेटा स्केल से मेजर कर लेना स्केल से मेजर कर लेना मतलब क्या करोगे आप अपनी कॉपी में पांच यूनिट की लेंथ बनाओगे इधर तीन यूनिट की लेंथ बनाओगे इधर ओके और इसके बाद आप स्केल से मेजर कर लो जितना आया है ना फॉर एग्जाम्पल कितना आ गया फोर पॉइंट टू आ गया कितना आ गया 4.2 तो बेटा ये फोर्स की जो लेंथ होगी दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 4.2 क्लियर? दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स दिस विल गिव यू और इसका एंगल मेजर कर लो यही इसकी डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन तो बेटा ये कहलाता है पेले लो ग्राम क्या कहलाता है पेलेलो ग्राम क्लियर हो गया ठीक है ना तो ट्रायंगल लॉ हमने देख लिया हमने पेलेलोग्राम लॉ देख लिया अच्छा एक चीज़ देख लो बेटा ये पेलेलोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ के ही जैसा है आप ध्यान से देखो अगर आप इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ला दोगे ये देखो ये वैक्टर है आपका तो ध्यान से देखो आप क्या करते क्या हो पेले लॉ में आप पेलेलोग्राम लॉ पेलेलो ही तो बनाते हो तो इफ़ दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी तो भैया ध्यान से देखो ये क्या है वेक्टर बी ही तो होता है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ तो इन्वॉल्व है ना आप मिला तो इसी को रहे हो ये नो तो पहले के लॉ के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल लॉ बैठा हुआ है बैठा है कि नहीं बैठा है क्लियर हाँ यस सो हाँ, yes. so तब भी ये ये ही बनता था अपना और यही अभी भी बन रहा है बस इसमें एडजस्टेंट हो गया और इसमें क्या था सक्सेसिव क्या था भाई सक्सेसिव ठीक है अब इसके बाद पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर्स देखिए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर पढ़ने के पहले आपको एक बात और बताना चाहते हैं बेटा कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों ही इक्वल होते हैं मतलब ए में चाहे बी जोड़ दो या बी में चाहे ए जोड़ दो बेटा ये दोनों ही इक्वल हैं याद रखिएगा है समझ गए ना सो so ए में चाहे आप बी एड कर दो चाहे बी में आप ए एड कर दो दोनों एक ही बात है मतलब दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन मतलब वैक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है क्या होता है बेटा सो आई कैन राइट कि वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर ओके वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है मतलब ए में आप बी एड कर दो या बी में आप ए एड कर दो आपका रिजल्ट सेम आने वाला है कोई प्रॉब्लम इसमें सो दिस इज कॉल लॉ ऑफ कम्यूटेशन कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है बट बेटा सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा आइए देख लेते हैं अगर आपसे बात कर रहे हैं वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी सो वी आर रीडिंग नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर्स हेडिंग बना लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर ऑफ टू वैक्टर तो बेटा इसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हो इधर ट्रायंगल लॉ से कर सकते हो या आप इसको पैलोगोग्राम लॉ से कर सकते हो तो वेक्टर ए माइनस वैक्टर बी को दूसरे नज़रिए से देखिए वॉट इज वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी uh, वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी मतलब वैक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी अब आपको दिख गया होगा मतलब ए को बी के नेगेटिव के साथ ऐड ही करना है करना एडिशन है बट पहले ए और बी को आप डायरेक्टली ऐड कर रहे थे अब आप ए और बी के नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे क्लियर की नॉट क्लियर आइए देख लेते हैं पिक्चर से क्लियर हो जाएगा दिस इज वैक्टर ए वी हैव दिस इज वैक्टर ए एंड दिस इज इजर बी यस और नो एक जमाना था जो इसको प्लस करने के लिए मैं बैक टू बैक इसको जोड़ देता था अभी हमें ए के साथ बी की जरूरत नहीं है पहले मैंने ए से बी किया तो ये ए ले लिया था और ये डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया था बी ले लिया था यसो yes नो no? तो ए प्लस बी आ गया था क्या आ गया था बेटा ए प्लस बी क्लियर है अब आप देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको ए माइनस बी दिखाता हूँ ये ए प्लस बी था क्या था ये बेटा ए प्लस बी क्योंकि आपने ए के साथ किसको b बी को ऐड किया था क्लियर है बट अब ए माइनस के लिए ए के साथ किसको ऐड करना है आपको माइनस बी को बोलो भाई किसको ऐड करना है माइनस बी को क्लियर है तो बेटा देखो ध्यान से अगर ये बी वेक्टर है अगर ये बी वेक्टर है बेटा तो माइनस बी ऐसा अपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा अगर ये बी वैक्टर है तो मैं कहूँ कि माइनस बी यदि मैं यहीं बना दूँ बेटा इसी के नीचे लाइन ऑफ एक्शन में सो बताइए ये वैक्टर माइनस बी होगा कि नहीं होगा होगा ना अब मैं ए और माइनस बी को ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ए और माइनस बी क्या बन जाएगा ए माइनस बी सो दिस इज वेक्टर ए दिस वाज वेक्टर ए नाउ व्हाट इज माइनस बी दिस इज़ माइनस बी ये है भैया माइनस बी है कि नहीं है सो so, ये जो वेक्टर बेटा बनेगा देखो बैक टू बैक ये एरो गया है और ये एरो गया है तो ये बेटा इसको ज्वाइन कर दो दिस इज द रिजल्टेंट वैक्टर बट किस की चीज़ का रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का ए और माइनस बी सो दिस इज गिवन बाई ए के साथ एड करेंगे माइनस बी सो होपफुली ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी आ गया समझ में आ रहा समझ में क्लियर तो यदि एक ही डायग्राम में बनाऊं तो देखो मजा आने वाला है भाई एक ही डायग्राम में अगर आप इसको बनाओगे तो ये माइनस बी यहाँ जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा और ए माइनस बी बेटा ये जनरेट होगा ए माइनस बी ये सॉ नो सो ये जनरेट होगा ए माइनस बी क्लियर बन जाएगा yeah. तो ये ऊपर ए प्लस बी है और नीचे क्या है बेटा ए माइनस बी ऊपर ए प्लस बी है और नीचे क्या है ए माइनस बी क्लियर हो गया ये तो आपने देख लिया ट्रायंगल लॉ से पेलेग्राम लॉ से भी बहुत आराम से आप देख सकते हो बेटा पैलेलोग्राम लॉ से देख लो तो पैलेलोग्राम लॉ सब से सबसे पहले ए प्लस बी बनाऊंगा उसी के साथ साथ ए माइनस बी बनाऊंगा सो दिस वॉज वैक्टर ए एंड दिस वॉज वैक्टर बी था ना बेटा तो हम क्या कहते थे ए प्लस बी निकालने के लिए पहले इसका पैलेलोग्राम सेट कर दो सो यू हैव टू मेक अ पेलेलोग्राम यस 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 ये पेलेलोग्राम बन जाता था एंड दिस वेक्टर विल गिव यू ए प्लस बी क्यों भाई साहब देता था कि नहीं देता था बट अब आपको चाहिए क्या ए माइनस बी वी नीड ए माइनस बी तो बेटा बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा इक्वल yeah. लेंथ का नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल लेंथ वही रहेगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर यस और नो सो दिस इज़ ए दिस इज माइनस बी अब चलिए पेलेलोग्राम लॉ बना लीजिए बिल्कुल इसी के हिसाब का ये देखिए भाई साहब ये पैलोलोग्राम लो ग्राम लॉ बन गया बिल्कुल बेटा तो ये देखिए ये जाएगा ए माइनस बी क्लियर की नॉट क्लियर ए माइनस बी और आप ध्यान से देखें अगर इस डायगोनल को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है इक्वल भी है कि नहीं है मतलब ये वाला डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल होता है वो ए प्लस बी देता है और ये वाला डायगोनल क्या देता है ए माइनस बी समझ में आया कि नहीं आया ये डायगोनल आपको ए प्लस भी देता है और ये जो ऑरेंज कलर का डायगोनल है वो क्या देता है आपको क्योंकि भैया ये देखो ये दोनों सेम है ना yes or no clear clear? ये सर नो क्लियर की नॉट क्लियर समझ में आ गया तो इतना डिटेल में हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है मगर फिर भी सारी बातें मैंने बता दी दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी सो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ डन चलिए नोट कर लीजिए सो so ये इसके बाद एक और लॉ हमारा छोटा सा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ क्या बोलते हैं बेटा पॉलीगन लॉ तो पॉलीगन लॉ एक तरीके से लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है ओके उसको थोड़ा ए, मतलब एक्सटेंशन फॉर्म में हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ को ज़्यादा कुछ भी नहीं है देखिए क्या होता है बेटा यदि हम पॉलीगन लॉ की बात करते हैं तो क्या कैसे कर सकते हैं देखते हैं आ, ओके तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, है ना लॉ ऑफ पॉलीगन पॉलीगन कहता है इफ मैनी वैक्टर रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव साइड ऑफ अ पॉलीगन ओके खूब सारे वैक्टर है एक ये वैक्टर बी दिस इज वैक्टर सी दिस इज वैक्टर डी दिस इज वैक्टर ई दिस इज वैक्टर एफ एफ वैक्टर क्लियर समझ में आ गया ये देखिए कई सारे वैक्टर हैं कई सारे ही एक पॉलीगन की लगातार साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो 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 क्लोजिंग साइड होगी बेटा लास्ट वाली है ना क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर तो ये जो साइड बनेगी बेटा इसका नाम दे दो तो आपको समझ में आ जाएगा ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी क्लियर तो ये जो बनेगा बेटा ये यस क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर ये देखो बेटा यानी कि ए जी वैक्टर जो होगा ए जी वैक्टर इन सारे वैक्टर का सम होगा सारे वैक्टर का क्या होगा सम होगा ए जी वैक्टर इज द सम ऑफ ए बी वैक्टर क्योंकि क्लोजिंग साइड है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर ई ए बी सी डी ई एफ एफ जी प्लस एफ जी वैक्टर समझ में आ गया जी तो सारे वैक्टर का सम जो होगा वो क्या होगा लास्ट वाला क्लोजिंग वैक्टर लास्ट वाला क्लोजिंग वैक्टर तो ये है बेटा इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वैक्टर पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन अब ये ज़्यादा काम में उतना खास नहीं बस पढ़ने के लिए ही इसकी ज़रूरत है और दो तीन वैक्टर आप इसको एड कर सकते हैं है ना दो तीन वेक्टर आप इससे ऐड कर सकते हैं जैसे आपसे मान लीजिए कहीं पर यदि तीन वेक्टर दे दिए जाए हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये आपके पास में वेक्टर सी है ओके और आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा ये वेक्टर क्या होगा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा आर वेक्टर क्या होगा तो देख लीजिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को तो सबसे पहले बेटा ए से लेके ये इसका पॉइंट ए ले लो इसका पॉइंट बी ले लो इसका पॉइंट सी ले लो इसका पॉइंट डी ले लो देखिए बेटा एक ट्रैंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए सुनो पहला ट्राएंगल बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं। तो पहला ट्राएंगल आपका ये बन चुका है ये देखिए ए से लेके सी वाला तो मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया है कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का वो बैक टू बैक यानी सक्सेसिव वेक्टर का क्या होता है सम होता है सो आई कैन राइट ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी वेरी गुड वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी अब ये देखो बेटा ये क्या आ चुका है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी आ चुका है आ चुका है अब फिर से इस ट्रैंगल को विजिट करो ए सी डी में ए सी डी में ठीक है ना तो ए सी डी ट्राइंगल का रिजल्टेंट क्या बन रहा है बेटा आर बन रहा कि नहीं बन रहा है और ये इसका और इसका सम होगा कि नहीं होगा तो आर वैक्टर जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू ये वाला वैक्टर नीचे वाला ए प्लस बी और प्लस कितना वैक्टर सी तो वही बेटा मल्टीपल ट्राइंगल और लगा करके जोड़ते जाओ समझ में आ गया और ये बनता जाएगा तो मैंने कहा इसी को कि दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ट्राएंगल लॉ और दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पेले लो ग्राम लॉ ओके चलिए तो कोलिनियर वेक्टर मैंने आपको बता दिए हैं अब कुछ प्रॉपर्टी हैं सिंपल सिंपल वो देख लेते हैं प्रॉपर्टी छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो भी हैं कि uh, आपने देखा कि uh, दो वेक्टर अपोजिट नेगेटिव वेक्टर होते हैं बेटा दिस इज वेक्टर पी uh, क्यू एंड दिस इज वेक्टर क्यू पी दिस इज वेक्टर क्यू पी सो इफ आई एड पी क्यू वैक्टर एंड क्यू पी वैक्टर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं रिजल्टेंट विल भी कितना बेटा जीरो वैक्टर जीरो मत बोलना बेटा जीरो वैक्टर जीरो okay. वैक्टर बिकॉज वैक्टर प्लस वैक्टर वैक्टर ही होगा ओके सो आंसर इज जीरो वैक्टर ओके क्लियर है बेटा yeah. तो अब बेटा आजकल तो शॉर्ट का जमाना है लोग सीधे जीरो के आगे तीर भी नहीं बनाते सीधे आपकी बुक में बेटा बहुत जगह सीधे ये बना होगा बार बना होगा क्या बना होगा yeah. बार तो वो ही वैक्टर है ओके दैट इज़ वैक्टर तो वैक्टर ए पूरा एरो ना लगा करके सीधे ये लिख देते हैं तो ये भी क्या है वैक्टर है कोई बुराई नहीं है इसमें जल्दी के लिए ठीक है बेटा चलिए तो ज़ीरो वेक्टर अब इसको और ज़्यादा एलैबरेट करूँ मैं सो व्हाट इज पी क्यू पी क्यू तो पी क्यू है मैं क्यू पी को क्या लिख सकता हूँ इट इज़ नेगेटिव ऑफ पी क्यू येस ऑन नो पढ़ाना निगेटिव वैक्टर सो दिस इज माइनस ऑफ पी क्यू सो दे कैन कैंसल ईच अदर एंड आंसर विल बी जीरो वैक्टर वेरी नाइस सो ये हो गया बेटा ज़ीरो वैक्टर देन मैंने आपको जीरो वैक्टर एक और बताया था कि जिसकी वैक्टर की कहानी वहीं से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाती है पी पी वैक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो वैक्टर ए भी जीरो वैक्टर है ज़ीरो वैक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है ओके okay? अब कुछ लॉज मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट लॉज क्या है बेटा पहला तो मैंने बता दिया कि वेक्टर ए प्लस वैक्टर बी इक्वल टू वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए दे सपोर्ट कम्यूटेटिविटी मतलब दोनों वैक्टर क्या होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं सेकेंड लॉ बेटा की आ, पहला था सेकेंड लॉ बेटा वेक्टर के एसोसिएटिव होता है क्या होता है वेक्टर एसोसिएटिव ए प्लस बी के एडिशन में चाहे सी को ऐड कर दो क्लियर या ए को ऐड कर दो किसके साथ बी प्लस सी के साथ दोनों की वैल्यू सेम आएगी सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन एसोसिएटिव फॉर एडिशन थर्ड पार्ट वेक्टर ए में क्या जीरो एड किया जाए कि वेक्टर ए आ जाए व्हाट वैक्टर शुड बी एडेड दैट गिव ए रिजल्ट जीरो ए दैट गिव रिजल्ट ए सो आंसर इज जीरो वैक्टर आंसर इज जीरो वैक्टर तो ऐसी कोई चीज़ जिसको जोड़ने पर कोई फ़र्क ना पड़े उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी तो वॉट इज ईयर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वैक्टर सो आई कैन से ज़ीरो वैक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा जी हाँ एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि उसको जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्थ कंडीशन व्हाट शुड बी एडेड विद वैक्टर ए टू हैव अ रिजल्ट जीरो वैक्टर यस लुक हेयर वट शुड बी एडेड टू वैक्टर ए टू हैव अ रिजल्ट जीरो वैक्टर क्या जोड़ा जाए कि जीरो वैक्टर आ जाए रोंग माइनस ए वैक्टर निगेटिव वैक्टर ओके सो द वैल्यू देट इज एडिड टू गिव रिजल्ट जीरो माइनस ए इज हर एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया yeah. उसी का इनवर्स नौ कुछ स्केलर प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहली स्केलर प्रॉपर्टी है एम प्लस एन एम इस कॉन्स्टेंट यलर एन इस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड विद वैक्टर ए, ओके, सो ए का मल्टीप्लाई कर दो एम के साथ सो दिस विल बी एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर ए सिंपल अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहां पे क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लाई वैसे ही हो जाता है नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी एम इज ए स्केलर एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एडिशन क्लियर सो क्या हो जाएगा बेटा एम वैक्टर ए प्लस एम वैक्टर बी एम वैक्टर ए प्लस एम वैक्टर बी सेवेंथ इफ एम मल्टीप्लाई विद एन वैक्टर ए एन वैक्टर ए तो स्केलर है बेटा अल्टीपल्टी कर दो कोई दिक्कत नहीं है एन को बाहर कर दो एम ए को अंदर कर दो या एम और एन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैक्टर ए के साथ फाइनली मल्टीप्लाई कर दो बात एक ही आएगी क्लियर की नॉट क्लियर एनी प्रॉब्लम यस अभी आपने देखा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों पैलोग्राम के दोनों अपोजिट डायगोनल बन रहे थे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन बिल्कुल सही तो वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी लाइंग ऑन सेम प्लेन क्लियर हुआ लाइंग ऑन सेम प्लेन सो यू कैन से दे आर को प्लेनर दे आर को प्लेनर अगर एक वेक्टर, दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो या दो से ज्यादा एक ही प्लेन में हो तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा को प्लेनर बोलते हैं क्या बोलते हैं हम कोप्लेनर अच्छा कोई कहे आपसे कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी की वैल्यू बी ए माइनस बी के इक्वल होती है क्या बात सही है कि गलत है बिल्कुल गलत है भाई ए प्लस बी की डायरेक्शन ऊपर जा रही है और ये बेचारा नीचे जा रहा है कहाँ से इक्वल हो जाएगी बिल्कुल नहीं नो no, नेवर बिल्कुल नहीं और आप जानते हैं पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं हो सकता है अगर मन में कन्फ्यूज़न हो कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आ गया कभी भी नहीं हो सकते हैं. मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकते हैं ठीक है ना सो so, हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे लिख देते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी का मॉड क्लियर है बेटा डन चलिए ठीक है अब देखिए इसमें एक ट्रायंगल इन थोड़ी सी आ जाती है ज़्यादा यूज़ की नहीं है मगर फिर भी आ जाती है हम जानते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है ये बना लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल अब पहले तो हम लोग इसको मैथ्स में नाइन्थ क्लास में ऐसे सिंपल ट्रायंगल की फॉर्म में पढ़ते थे लेंथ के बेसिस पे तो हम क्या कहते थे कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होगा दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा ज़्यादा होगा ऐसे कुछ बोला करते थे हाँ तो अब यहाँ पे क्या है बेटा ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है आर है इसको ए आर ले लो या इसको ए प्लस बी बोलते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी ए प्लस बी बोलते हैं ठीक है थीके? ये तो याद करिए वहाँ पर क्या रूल होता था वहाँ पर रूल होता था कि ए बी प्लस ए सी जो तीसरी साइड होती थी हमेशा दो साइड से हमसे छोटी होती थी ए सी इज़ ऑलवेज़ लेस देन ए सी इज़ ऑलवेज़ लेस देन ए बी प्लस बी सी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज़्यादा होता था ये तभी ट्रायंगल बनता था तभी ट्रायंगल बनता था इसको मैं पलट करके लिख दूंगा ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी ये भी सही बात है अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा ए बी की लेंथ क्या होगी मॉड ऑफ वैक्टर ए बी सी की लेंथ क्या होगी बेटा मॉड ऑफ वैक्टर बी इट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस बी समझ में आया बेटा तो इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं ट्रायंगल इन देख लीजिए ए प्लस बी इज लेस a का मॉड प्लस बी का मोड क्लियर की नॉट क्लियर है ना बट इसमें इस भी आ जाता है हम ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे हैं, हम वैक्टर पढ़ रहे हैं तो हम वैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैंगल विद द हेल्प ऑफ ट्रैगल सो ये प्रॉपर्टी याद रखेगा कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी दूसरी क्या होती है वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी क्लियर ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बहुत कम यूज़ होती हैं बहुत ही कम ठीक है क्लियर है भाई तो ये हमारा कहला गया कंप्लीट वाइट वेक्टर की थ्योरी का इतना हमने कंप्लीट कर लिया है चलिए दोस्तों अब आती है बारी थ्योरम की कुछ थ्योरम हो जाए थोरम्स देखिए पहली थ्योरम क्या है बेटा पहली थ्योरम है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर लिखना पड़ेगा इसको हमको टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर कोलिनियर इफ एंड only if only if there exists scalars small m and small n small m and small n take okay? small m and small n एटलीस्ट uh, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो ऑल नॉट ज़ीरो सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे कि एम और एम दोनों ही ज़ीरो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है ऑल नॉट ज़ीरो सच दैट एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो अब ये देखने में स्टेटमेंट बहुत ख़तरनाक लग रहा है देखने में स्टेटमेंट क्या लग रहा है बहुत खतरनाक बट समझने में बहुत ईजिली ये आपको समझ में आ जाएगा देखिए क्या कह रहा है ये वैक्टर कह रहा है कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास दो वैक्टर ऐसे हैं ये ए है ये ए वैक्टर है और ये बी वैक्टर है मुझे देख करके बताइए कोलिनियर है कि नहीं है बिल्कुल है इनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन है देख लीजिए कोलिनियर है ना पैरल भी है ये सुनो अब कह रहा है अगर ये कोलिनियर वैक्टर है आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं ए का डबल कर दूं ए का मैं क्या कर दूं डबल तो लगभग बी के बराबर हो जाएगा लेंथवाइज यदि नाप लीजिए तो ये ये मान लीजिए चार सेंटीमीटर ये दो सेंटीमीटर है तो अगर मैं ए का डबल कर दूं इफ आई मेड टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या कर दिया मैंने टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्लस क्लियर मतलब एम के प्लेस पे मैंने टू ले लिया और एन के प्लेस पे मैंने माइनस वन ले लिया क्या ले लिया मैंने माइनस वन तो टू ए माइनस बी आपको देखिए महसूस कीजिए कि आपको जीरो बनता दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि भैया ये टू ए डबल हो जाएगा बढ़ जाएगा टू ए जो है बेटा वो बढ़ जाएगा मतलब इतना हो जाएगा बहुत बड़ा सा हाँ है ना ये टू ए आगे जाएगा और अब बी था तो बी को मैंने पलट दिया भाई साहब तो माइनस बी ए हो गया बोलिए सोनो अब तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो गए ना और दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा जीरो तो यही कहा जा रहा है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो पक्के से एम और एन पेयर एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए दोनों का सम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो एम वैक्टर ए प्लस एन वैक्टर बी इक्वल टू कितना बेटा जीरो वैक्टर क्लियर ये कंडीशन है अब यदि मैं इससे थोड़ा इसको मैनुपुलेट करूं इधर उधर करूं तो क्या बन सकता है मेरे पास रिजल्ट बेटा आप B को फाइंड कर सकते हैं B को फाइंड कर सकते हैं देखिए सो वेक्टर एन बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम वैक्टर ए ओके वैक्टर एम बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन वैक्टर ए सो वैक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम बाई एन ऑफ वैक्टर ए क्लियर माइनस ऑफ एम बाई एन वैक्टर ए क्लियर तो ये रिजल्ट बन गया वेक्टर बी के लिए वेक्टर बी के लिए मतलब बी इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अगर आप माइनस को उसको देना चाहें सो एम बाई एन ऑफ माइनस ए हो जाएगा क्लियर एम बाई एन इज अ कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट विल बी अ न्यू कॉन्स्टेंट सो बी इज इक्वल टू के ऑफ नेगेटिव ए के ऑफ नेगेटिव ए यस ये हो गया तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हैं तो कंडीशन क्या बनेगी बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वैक्टर न माइनस ए के टाइम्स ऑफ वैक्टर माइनस ए ठीक है ना अब न्यूमेरिकल में इसका उपयोग हम करेंगे कैसे करेंगे वो जब न्यूमेरिकल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं ठीक है चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सब थ्योरम कह लीजिए देखिए इफ टू वैक्टर्स नॉन कोलिनियर समझ गए दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं ठीक है थीके? दोनों वेक्टर क्या है नॉन कोलिनियर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर भाई साहब यू जा रहा है ठीक है ना अब आप बताइए मुझे कुछ भी कर लो इनका रिजल्ट क्या जीरो हो सकता है कभी नहीं हो सकता क्योंकि इनको दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है सो so यदि मैं आपको कहूँ कि ऐसा वैक्टर दिस इज़ वैक्टर ए और दिस इज़ वैक्टर बी अगर मैंने इसके साथ कुछ कुछ किया तो ये वैक्टर बन गया एम वैक्टर ही मैग्नीट्यूड में इसके बदलाव कर दिया इसके मैग्नीट्यूड में बदलाव करके एक नया वेक्टर मैंने जनरेट कर लिया एम वेक्टर बी और मैंने दोनों को ऐड किया तो एम वेक्टर ए प्लस एन वैक्टर बी और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरो वेक्टर आ रहा है जीरो वेक्टर आ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है नहीं है केवल एक ही चीज में पॉसिबल है कि भैया उस समय आप हमें मूर्ख बना रहे हैं आपने एम भी जीरो लिया होगा और एन भी जीरो लिया होगा बोलिए सोनो भाई जब दोनों के, के आपके डायरेक्शन ही मैच नहीं कर रहे हैं दोनों एक लाइन में है ही नहीं है तो आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर लो कितने का भी मल्टीप्लाई कर लो रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि अब ये कोलिनियर नहीं अब ये कोप्लेनर हैं क्या है ये कोप्लेनर तो कोप्लेनर नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर हैं तो अब ये जो केस बनेगा ये कोप्लेनर में आ जाएगा किस में आ जाएगा बेटा कोप्लेनर में तो कोप्लेनर के लिए ज़ीरो करने के रिजल्ट मिनिमम थ्री वैक्टर होने चाहिए कितने होने चाहिए मिनिमम थ्री वेक्टर कितने होने चाहिए मिनिमम थ्री वेक्टर जैसे पंखे की ब्लेड में बैलेंस करने के लिए एक फैन की ब्लेड यहाँ लगी है एक फैन की ब्लेड यहाँ लगी अब ये दो वेक्टर हो गए इनका रिजल्ट सम हाउ यहाँ बनेगा ये सोनो तो इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक थर्ड वैक्टर ये जनरेट किया जाता है क्लियर की नॉट क्लियर yeah. हाँ क्योंकि ये वेक्टर ए बनेगा ये वेक्टर बी बनेगा तो ये रिजल्ट बनेगा ए प्लस बी और ए प्लस बी को कौन न्यूट्रलाइज करेगा सी न्यूट्रलाइज कर देगा क्लियर हुआ सो थ्री वेक्टर मिल करके एक प्लेन में जीरो कर सकते हैं रिजल्ट क्लियर yeah. मगर दो वेक्टर जीरो कर सकते हैं कोप्लेनर है नो को हाँ कोलिनियर होंगे तो पॉसिबल है मगर कोप्लेनर में पॉसिबल नहीं है सो अगर मैं कहूँ यस एम वेक्टर इसका नाम ले लेता हूँ एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी एम एन एक और क्या ले लिया जाए ओ वो अच्छा नहीं लग रहा लेने में चलिए एक्स वाई ले लेता हूँ एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी जेड वेक्टर सी इक्वल टू जीरो आ रहा है इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है क्या है तीनों वेक्टर कोप्लेनर क्योंकि ये ए और बी को मिल करके किसने खत्म कर दिया होगा सी ने किसने खत्म कर दिया होगा भाई ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ आया होगा ये सौ नो आप सी का कुछ मल्टीपल या सी ओरिजिनल खत्म कर सकता है क्लियर वे आर ऑल एक्स वाई जेड आर नॉट ज़ीरो क्या होगा बेटा आर नॉट जीरो क्लियर की नॉट क्लियर yes. तो कोप्लेनर वेक्टर में रिजल्टेंट जीरो बनाने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए तीन की और कोलिनियर में कितने की दो की कोलिनियर में कितने की दो की और कोप्लेनर में कितने की क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर हो गया अब यदि मैं कहूं एक और एक सेंटेंस यहाँ पे मजेदार है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर लो भाई साहब क्या है नॉन कोप्लेनर एक एक्स एक्सेस में है एक वाई एक्सेस में मेरे बाहर की ओर बोर्ड से लैपटॉप की स्क्रीन फोड़ते हुए आपके और एक जेड एक्सेस में भैया यहां वेक्टर ए जा रहा है यहां वेक्टर बी जा रहा है और यहां वेक्टर सी जा रहा है और मैं कहूं कि एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू जीरो आ रहा है पॉसिबल है एक्स वेक्टर ए और वाई वेक्टर बी जेड वेक्टर सी का रिजल्ट पॉसिबल है जीरो हो जाए सकता है। कभी नहीं हो सकता तीन वेक्टर है मगर कोप्लेनर थोड़ा ना है नॉन कोप्लेनर है भाई कौन कैसे जीरो करेंगे है ना तो नॉन कोप्लेनर है जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या लॉजिक होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो रहा होगा क्या रहा होगा जीरो x इक्वल टू वाईक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो समझ में आ गया बिकॉज दीज आर नॉन कोप्लेनर क्या है ये नॉन कोप्लेनर तो नॉन कोप्लेनर में तीन वेक्टर जीरो नहीं कर पाएंगे फिर नॉन कोप्लेनर में चौथा वेक्टर चाहिए जीरो करने के लिए क्या कौन सा वेक्टर चाहिए चौथा वेक्टर समझिए नॉन प्लेयर में चौथा वेक्टर कैसे चाहिए एक्सएक्सेस के डायरेक्शन में ए वैक्टर लग रहा है वाई एक्सेस मतलब बाहर की ओर बेटा बी वैक्टर लग रहा है क्लियर के नॉट क्लियर? क्लियर बाहर की ओर ऐसा निकलता हुआ बी वैक्टर लग रहा है क्लियर है और ऊपर की ओर बेटा सी वेक्टर लग रहा है ऊपर की ओर क्या लग रहा है सी C वेक्टर अब दो दो से खेलिए आराम से ये देखिए ये बाहर जहां हम बैठे हुए हैं वो है तो इनका रिजल्ट यूं आएगा कि नहीं आएगा सामने की तरफ ए प्लस बी बोली क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर नहीं आएगा क्या ऐसे फर्श पे सामने की तरफ आएगा हाँ है ना और ये देखिए ये सी वेक्टर है जो पिलर है आपका कोने वाला ये पिलर ठीक है तो अब इसका ये जमीन वाला डायगोनल, आप जहां पे बैठे हुए हैं और एक आपके लैपटॉप की किनारे वाली स्क्रीन ठीक है ना इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा आएगा तो फाइनल रिजल्ट लेने तो यहां आ गया तो इसको मिटाने के लिए आपको एक और वैक्टर चाहिए है कि नहीं चाहिए नहीं। चाहिए ना मतलब चार वेक्टर होने चाहिए नॉन कोप्लेनर में जीरो बनाने के लिए कितने होने चाहिए चार वेक्टर, चार वेक्टर. क्लियर है कोई दिक्कत तो चार वेक्टर जो होंगे नॉन कोप्लेनर में रिजल्ट को जीरो कर सकते हैं तो वी रिक्वायर एटलीस्ट फोर वेक्टर यस और नो फॉर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर में का रिजल्ट जीरो क्लियर हुआ भैया तो बहुत कंसेप्टफुल बातें यहाँ पे हम चल रही हैं आज ठीक है चलिए तो ये हो गई थ्योरम एक हमने बता दी अब एक थ्योरम और डिस्कस करते हैं कोप्लेनर वेक्टर हमने बात कर ली है कोप्लेनर वेक्टर तो थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर पे आइए बच्चों कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं अब एक ही प्लेन को समझने के लिए थोड़ी सी थ्री समझो बेटा ये एक्सेक्सेस है बेटा ये एक्स एक्सेस बना रहा हूँ मैं आपके लिए दिस इज एक्स एक्सेस बेटा सामने की तरफ जो स्क्रीन जा रही है मतलब एक तरीके से ये कह लो कि आपके लैपटॉप का कीबोर्ड जो यहाँ पे है दैट इज़ वाई एक्सेस दैट इज़ वाई एक्सेस क्लियर की नॉट क्लियर आपके लैपटॉप में जो टैब रहते हैं डेस्कटॉप में वो एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में है ये जो नीचे टैब चमक रहे हैं ओके okay? और आपके लैपटॉप की जो वर्टिकल स्क्रीन है बेटा वो इसको एक काम करो ये वाई मान लो और इसको क्या मान लो आप जेड मान लो तो आपके लैपटॉप की जो वर्टिकल स्क्रीन ये कोना वाली एकदम दैट इज जेड ओके तो आप जो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हो वो एक्स जेड प्लेन में कर रहे हो किस प्लेन में कर रहे हो बेटा एक्जेड प्लेन में क्योंकि हॉर्जोनटल और वर्टिकल एक्जेट प्लेन और आपका जो की बोर्ड है बेटा वो एक्स वाई प्लेन में है किस प्लेन में है दिखा कि नहीं दिखा दिख गया ये आपका लैपटॉप बन गया भाई साहब ठीक है बन गया तो आपकी पढ़ाई थ्री डी में चल रही है एक तरीके से सब चीज़ देखी जाए तो तो यहाँ बेटा ये ठीक है अब देखो प्लेनर मैं क्या बता रहा हूं आपको कोप्लेनर लाइन्स कोप्लेनर वैक्टर तो अगर आप बेटा एक्जिट प्लेन में एक ये बनाते हो और ये बनाते हो तो ये जो लाइन है बेटा ये कोप्लेनर है क्या है ये लाइन कोप्लेनर इवन इसमें ये लाइन भी कोप्लेनर है बट बेटा यदि आपने ये लाइन यहाँ पर बना दी एक लाइन क्लियर है कैसी लाइन बनाई यहाँ पर मतलब एक आपने लैपटॉप की स्क्रीन में एक लाइन खींच दी और एक आपने अपने कहाँ पे जहां पे आपके कीबोर्ड है जहां आप से बटन टाइप करते हो ना आपने वहां पे लाइन खींच दी बताइए दोनों कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है बिल्कुल सही ये नॉन कोप्लेनर है कैसे हैं भाई नॉन कोप्लेनर क्या है बेटा नॉन कोप्लनर को ठीक है तो अब हम कोप्लेनर वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं मतलब एक ही प्लेन के वेक्टर तो हमें केवल जो वेक्टर लेना है आइधर इसमें ले देखना है या एक में देखना है तो मैं प्रेफर करूंगा चलो अपन लोग स्क्रीन वाला वैक्टर देखते हैं ठीक ना ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए था कोप्लेनर की थ्योरी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि, कि कोई भी वेक्टर है थ्योरम नंबर टू बता रहा हूं मैं आपको थ्योरम नंबर टू देखो बेटा थ्योरम नंबर टू पहले ऐसे समझ लो कि मान लीजिए बेटा आपके पास कोई प्लेन है और उसमें आपके पास तीन वैक्टर्स हैं ये वैक्टर ए है ये वैक्टर बी है दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी और एक तीसरा वेक्टर दिया गया बेटा इस वेक्टर का नाम है वेक्टर आर क्या नाम है बेटा वेक्टर आर, आर। देख के बताइए क्या तीनों एक प्लेन में है कि नहीं है है बिल्कुल है तीनों एक ही प्लेन में हैं अब देखो बेटा तो ये कह रहा हूं मैं कि ये जो वेक्टर है आप इस वेक्टर को इसके और इसके रिजल्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इन दोनों का रिजल्टेंट बना सकता है बना सकता कि नहीं बना सकता सो आई कैन से वेक्टर आर इज द एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मतलब हो सकता है इसका कुछ मल्टीपल ले लिया जाए और इसका कुछ मल्टीपल ले लिया जाए तो ये पेलेलोग्राम की नीड को पूरा कर दें पेलेलो की नीड को क्या कर दें पूरा कर दें तो मैं कोशिश करता हूँ पेलेलोग्राम की नीड को पूरा करने के लिए देखिए यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्योंकि मल्टीपल ले रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मल्टीपल ले कर के तो ये ये तो चलो यहाँ बढ़िया सा बना ही रहा है ये देखिए इस तरीके से बना ही रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा यहाँ तक मल्टीपल लेके तो क्या पैलेलोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बन जाएगा, बन जाएगा ना सो so, मतलब जो थर्ड वेक्टर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा वो रिजल्टेंट होगा क्या होगा बेटा resultant. समझ गए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर टू वैक्टर और यू कैन से आर इज गिवन इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी वैक्टर एंड वैक्टर बी और याद रखिएगा यहां पर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एन इज नॉट इक्वल टू जीरो दोनों एक ही टाइम में जीरो नहीं हो सकते हैं क्लियर है सो so, क्या थ्योरम बन गई लेट ए एंड बी बी टू नॉन कोलिनियर वैक्टर इफ वैक्टर आर इज कोप्लीनर विद वैक्टर ए एंड वैक्टर बी है ना इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर एम एंड एन सच दैट एम वैक्टर ए प्लस एन वैक्टर बी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू आर तो लिखना जरूरी है शायद यहां पे तो लिख देता तो हूं मैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन कोलिनियर वैक्टर नॉन कोलिनियर वैक्टर है ना कॉमा A vector R vector, a vector R coplanar with A and B, coplanar with vector A and vector B. If and only if, if and only if there exists two scalars. एम एंड एन एम एंड एन सच दैट एम वेक्टर ए प्लस एन वैक्टर बी इक्वल टू वैक्टर आर मतलब ए का कुछ गुना और बी के कुछ गुने का रिजल्ट पक्का पक्का क्या बन जाएगा आर समझ गया ना मतलब जुगाड़ लगा करके आप ए और बी को एडजस्टमेंट करके क्या, कर सकते, R कर, सकते क्या कर, सकते R कर सकते हो आर कर सकते हो क्या कर सकते हो आर कर सकते हो ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ Clear. दोनों को जुगाड़ लगा के आप इसको क्या कर सकते हो आर्क कर सकते हो चलिए सो दिस कंप्लीट ये हो चुका है ठीक है सो so इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन तो यहां दो वेक्टर है अब बेटा कोप्लेनर वेक्टर में चाहे दस वेक्टर हो तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लगेगा तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लगेगा जैसे देख लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर वेक्टर ए है एक वेक्टर वेक्टर बी है एक वेक्टर वेक्टर सी है एक वेक्टर वेक्टर डी है एक वेक्टर वेक्टर ई e है एक वेक्टर वेक्टर एफ है ए बी सी डी ई एफ क्लियर तो मैं ये कहूंगा एक वेक्टर है यहां पे कैपिटल आर कुछ भी नाम है इसका जैसे पिछले बार मैंने क्या नाम दे दिया था आर ही दे दिया था तो इस बार भी आर दे दो वेक्टर आर क्लियर है तो शुरुआत में क्या था ऐसा समझो कि तुम्हारे पास कोई कोई चीज़ है एक छाता है और तुमको उसने तुमने उसको ज़मीन से यहाँ पर एक डोरी लगा के तान रखा है डोरी लगा के क्या कर रखा है तान रखा है या कोई सलाई लगा के सीख लगा के कोई स्टिक लगा के उसको ऐसे तुमने झुका रखा है इस पॉइंट पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जैसा नो कोई जुगाड़ से तो तुमने कहा नहीं मुझे अब इसे हटाना है और मुझे ए भी लगाना है बी भी लगाना है सी भी लगाना है डी भी लगाना है ई e भी लगाना है और एफ भी लगाना है तो इतनी सारी जब आप चीज़ें यूज़ करोगे तो इनके अलग अलग लेंथ यूज़ करोगे ना जरूरी थोड़ी ना कि बराबर यूज़ करो तो क्या लिख सकते हो वैक्टर आर इज़ द मे बी रिटर्न एज एम वैक्टर ए प्लस एन वैक्टर बी प्लस एम एन ओ वैक्टर सी ये सब स्केलर है बेटा क्लियर हुआ एन वैक्टर सी प्लस कुछ और ले लो जी वेक्टर डी प्लस एच वैक्टर ई प्लस के वैक्टर एफ समझ में आ गया तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कॉंग. सो डिफरेंट वैक्टर्स जो हैं उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो क्लियर एनी प्रॉब्लम ठीक है थ्योरम थ्री मैंने आपको बताई दी है थ्योरम थ्री मैंने आपको बता दी कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वैक्टर बी प्लस जेड वैक्टर सी यहाँ पे तीन वैक्टर वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी कोप्लेनर होंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा जीरो आएगा एंड याद रखिएगा एक्स वाई जेड तीनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे एट अ टाइम तीनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे वेयर एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो 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 क्लियर एनी प्रॉब्लम बन जाएगा चलिए सो so, अब यहाँ से रिवीजन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल कर देखेंगे थैंक यू सो मच